नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएसटी लाइव टीवी। सुबह के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर समग्र नीति बनाए जाने और किसी को भी इससे छूट न दिए जाने के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि देश के पास संसाधन सीमित है। उन्होंने कहा है कि उपलब्ध संसाधन देश के सभी नागरिकों को मिले, सरकार इसके लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार के समक्ष कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है, लेकिन इस पर जैसे ही शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला लेता है इससे अवगत कराया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा है कि देश की आजादी के बाद हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी और आज 130 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन जमीन और संसाधन वही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनसंख्या को कम करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के विरोध पर कहा कि जो हिन्दुस्तान और भारत माता को प्रेम करेगा वह कभी विरोध नहीं करेगा। सरकार की कोशिश है कि देश के पास जो मौजूदा संसाधन है उसका उपयोग हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको रहने खाने का स्थान मिले, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो और जीवन यापन के लिए सबको रोजगार मिले, इसके लिए सरकार चिंता भी करती रहती है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1 माह पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सियासी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह निराश हो चुकी है। यह वह कांग्रेस नहीं है जिसे महात्मा गांधी ने बनाया था। डिप्टी सीएम ने सोनिया, राहुल और प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा है कि गांधी सरनेम का किस तरह से प्रयोग किया है यह पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद कई दशक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों के जीवन में बदलाव के लिए कुछ नहीं किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत के तहत काम कर रहे हैं। विजय भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर काम करते हुए समाज यात्रित व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को पक्का मकान, शौचालय और हर घर नल से जल मिल रहा है, इसीलिए देश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। जी ने भी कहा था कि जनसंख्या का जो असंतुलन है इसके लिए एक समग्र नीति आए और सब पर बराबर से लागू हो, तो क्या सरकार इस बारे में भी कुछ विचार करे? देखिए, जनसंख्या हमारे लिए चुनौती है और जो संसाधन है उनका उपयोग सब लोगों को व्यवस्थित ढंग से मिले, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। अभी जो चर्चा चल रही है उसको अभी हमारे पास कोई ऐसा पत्रावली विचाराधीन नहीं है, लेकिन चिंता का सबब पूरे हिंदुस्तान के लिए है और जब भी हमारे उच्च अधिकारी को निर्णय लेंगे तो हम लोग अपने विचारों को आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ये सही है कि जनसंख्या भारतवर्ष के लिए एक चिंता का विषय है कि संसाधन आज़ादी से पहले जो थे, जो हमारी भूमि थी, जो हमारा आकाश था, जो हमारा भूभाग था, वही है और उसी में आज हम इतनी बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस समय हम लोग 40 करोड़ भी नहीं थे और आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान में निवास करते हैं, तो इस पर कुछ न कुछ तो रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस्लामिक धर्मगुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं दरअसल देखिए ये सब जो बातें हैं ना, ये जहाँ पर साक्षरता का अभाव है, जानकारी का अभाव, वहीं आती है। जो हिंदुस्तान को प्रेम करेगा, जो भारत माता को प्रेम करेगा, वो अपने संसाधन जो हमारे पास हैं, सभी बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, सबको रहने खाने का अच्छा इंतजाम हो, सबके लिए उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो और इसके बाद जीवन यापन करने के लिए सबको रोजगार भी हमें देना है, तो ये सब किसी जरूर कहीं न कहीं प्लेटफार्म पर चर्चा होती है और हम सब इसके लिए चिंता करते रहते हैं। कॉमन सिविल कोड भी इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि सरकार अभी अभी क्या है ना कि आप इंतजार करिए ना, अभी इस प्रकार की कोई भी चर्चा हमारे पास विचाराधीन नहीं है। हाँ, जब सब्जेक्ट आएगा तो सरकार निर्णय लेगी, हमारे जो नीति नियंता है, जो हमारे जो नेतृत्व तो है, शीघ्र इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेगा तो हम आपको बताएंगे। सर, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक उन्होंने अब देखिए कांग्रेस डिरेल्ड हो चुकी है क्योंकि प्रयागराज से बेहतर कांग्रेस को कोई नहीं जानता। ये वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी ने बनाई थी और गांधी के नाम को जिस ढंग से इन लोगों ने यूज किया है पूरा देश जानता है।
लगातार आजादी के बाद से कई दशक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को समाज के अंतिम तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।